नमो बुद्धाय नमस्कार। धम्मपादा यमा का वग्गा से थर्ड एंड फोर्थ गाथा। थर्ड गाथा में बुद्ध ये कहता है, अकोचिमंग अवादिमंग अजीनिमंग अहास्मि ये चातंग उपनयन्ति वेरंग तेसंग न सम्मति। अकोचिमंग उसने मुझे गाली दी, अवादिमंग उसने मुझे मारा, अजीनिमंग उसने मुझे हराया, अहास्मि उसने मुझे लूट लिया। ये चातंग उपनयन्ति जो व्यक्ति ऐसा सोच रखते हैं, मन में ऐसे सोच रखते हैं कि उसने मुझे मारा है, उसने मुझे गाली दी है, उसने मुझे हराया है, इसलिए मुझे उन्हें मारना है, उसे गाली देना है, उसे हराना है। जो मन में ऐसे बदला लेने की सोच रखते हैं, वेर अंते संग नसम्मति उनके मन से वेर गुस्सा क्रोध कभी शांत नहीं होते हैं। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति ऐसा सोच रखते हैं उनके मन से वेर गुस्सा क्रोध कभी शांत नहीं होते हैं। सेकंड गाथा यानी फोर्थ गाथा में बुद्ध कहता है, अकोचिमंग अवादिमंग अजीनिमंग अहास्मि ये चातंग उपनयन्ति वेरंग ते सुपसम्मति। अकोचिमंग उसने मुझे गाली दी, अवादिमंग उसने मुझे मारा, अजीनिमंग उसने मुझे हराया, अहास्मि उसने मुझे लूट लिया। ये चातंग उपनयन्ति जो व्यक्ति ऐसे सोच नहीं रखते हैं, उसने मुझे मारा है मैं उसे वापस मारूंगा, उसने मुझे गाली दी है मैं उसे वापस गाली दूंगा, उसने मुझे हराया है मैं भी उन्हें हराऊंगा, जो मन में ऐसे नहीं रखते हैं वेरंग ते सुपसम्मति उनके मन से वेर शांत हो जाती है, क्रोध जलन गुस्सा खत्म हो जाती है या शांत हो जाती है। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति ऐसे सोच मन में नहीं रखते हैं, मन से उनकी वेर शांत हो जाती है। ये दो गाथा हमें ये संदेश देते हैं, जिसकी मन में बदला लेने की सोच रखते हैं वो हर पल दुख के साथ जीवन को गुजरना पड़ता है। और जो व्यक्ति बदला लेने की सोच नहीं रखते हैं, मन में क्रोध को पाल के नहीं रखते हैं, वो अपने जीवन को शांति के साथ गुजर लेते हैं। अकोचिमंग अवधिमंग अजिनिमंग अहासिमे ये चतंग उपनयन्ति वेरंग ते संग न सम्मति। अकोचिमंग अवधिमंग अजिनिमं अहासिमे ये चतं न उपनयन्ति वेरं ते सुपसम्मति।